संसार का इतिहास में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास भाग चार। राजपूतों और मुगलों के योग से उसने अपना साम्राज्य कंधार से आसाम की सीमा तक तथा हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक विस्तृत कर दिया। उसके पुत्र जहांगीर जहां पौत्र शाहजहां के राजकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, परंतु कंधार उसके हाथ से निकल गया। अकबर के प्रपोत्र औरंगजेब के राजकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम शिखर पर पहुंच गया और कुछ काल के लिए सारा भारत उसके अंतर्गत हो गया। परंतु औरंगजेब ने जानबूझकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति त्याग दी और हिंदुओं को अपने विरुद्ध कर दिया। उसने हिंदुस्तान का शासन सिर्फ मुसलमानों के हित में चलाने की कोशिश की और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का असफल प्रयास किया। इससे राजपूताना, बुंदेलखंड तथा पंजाब के हिंदू उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। औरंगजेब से जीवन भर युद्ध करने वाले मराठा शासक शिवाजी का नाम प्रमुख है। मराठा लोगों को मेहरट्टा या महरट्टी भी कहा जाता है। भारत के वे प्रमुख लोग जो इतिहास में क्षेत्र रक्षक, योद्धा और हिंदू धर्म के समर्थक के रूप में विख्यात है। उनका गृह क्षेत्र आज का मराठी भाषा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य है, जिसका पश्चिमी क्षेत्र समुद्र तट के किनारे मुंबई से गोवा तक और आंतरिक क्षेत्र पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर नागपुर तक फैला हुआ था। उसके बाद आती ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। उधर फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, पांडिचेरी और चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। उन्हें अपनी सेनाओं में भारतीय सिपाहियों की भर्ती करने की भी इजाजत मिल गई। वे इन भारतीय सिपाहियों का उपयोग न केवल अपनी आपसी लड़ाइयों में करते थे, बल्कि उस देश के राजाओं के विरुद्ध भी करते थे। उन राजाओं की आपसी प्रतिद्वंदिता और कमजोरी ने इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया और उन्होंने कुछ देशी राजाओं के विरुद्ध दूसरे देशी राजाओं से संधियां कर ली। 1744 से 1749 ईस्वी में मुगल बादशाह की प्रभुसत्ता की पूर्ण उपेक्षा करके उन्होंने आपस में कर्नाटक की दूसरी लड़ाई छेड़ी। कंपनी के शासनकाल में भारत का प्रशासन एक के बाद एक 22 गवर्नर जनरलों के हाथों में रहा। इस काल के भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटना यह है कि कंपनी युद्ध तथा कूटनीति के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का उत्तरोत्तर विस्तार करती रही। मैसूर के साथ 4 लड़ाइयां, मराठों के साथ 3, बर्मा तथा सिखों के साथ 2-2 लड़ाइयां तथा सिंध के अमीरों, गोरखों तथा अफगानिस्तान के साथ 1-1 लड़ाइयां छेड़ी गईं। इनमें से प्रत्येक लड़ाई में कंपनी को एक या दूसरे देशी राजा की मदद मिली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस काल में सती प्रथा का अंत कर देने के समान कुछ सामाजिक सुधार के भी कार्य किए गए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सका। अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम शिक्षा के प्रसार की दिशा में कदम उठाए गए। अंग्रेजी देश की राजभाषा बना दी गई। सारे देश में समान जाब्ता दीवानी और जाब्ता फौजदारी कानून लागू कर दिया गया, परंतु शासन स्वेच्छाचारी बना रहा और वह पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रहा। असहयोग और सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सुधारों से पुराने कांग्रेस जन संतुष्ट हो गए, परंतु नव युवकों का दल, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में एक नया नेता मिल गया था, संतुष्ट नहीं हुआ। इन सुधारों के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका को केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया था और वायसराय को बहुत अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। अतएव उसने इन सुधारों को अस्वीकृत कर दिया। उसके मन में जो आशंकाएं थी वे गलत नहीं थी। ये 1919 के एक्ट के बाद ही पास किए गए। रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे दमनमूलक कार्यों से सिद्ध हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में कॉक्सटन हॉल में बैठक में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को ऐसे घाव दी जिन्हें ब्रिटिश शासक बहुत दिनों तक भूल नहीं पाए। कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में अपने नागपुर अधिवेशन में अपना ध्येयपूर्ण स्वराज की स्थापना घोषित कर दी और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उसने अहिंसक असहयोग की नीति अपनाई। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की और दमनकारी नीति के द्वारा वे असहयोग आंदोलन को दबा देने में सफल हो गई, इसलिए कांग्रेस ने दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता निश्चित किया और अपनी मांग का मनवाने के लिए उसने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। भारत का विभाजन। कुछ ब्रिटिश अफसरों ने भारत को स्वाधीन होने से रोकने के लिए अंतिम दुराभ संधि की और मुसलमानों के लिए भारत विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना की मांग का समर्थन शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप अगस्त 1940 ईस्वी में सारे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिन्हें वायसराय लॉर्ड बेवेल अपने समस्त फौजी अनुभवों तथा साधनों के बावजूद रोकने में असफल रहा। यह अनुभव किया गया कि भारत का प्रशासन ऐसी सरकार के द्वारा चलाना संभव नहीं जिसका नियंत्रण मुख्य रूप से अंग्रेजों के हाथों में हो। अतएव सितंबर 1940 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय नेताओं की एक अंतरिम सरकार गठित की। ब्रिटिश अधिकारियों की कृपा पात्र होने के कारण मुस्लिम लीग के दिमाग काफी ऊंचे हो गए थे। उसने तो पहले तो 1 महीने तक अंतरिम संस्कार में अपने को अलग रखा, उसके बाद ये भी उसमें सम्मिलित हो गया। तो ये था हमारे भारत का इतिहास।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।